अपनी बहू के पक्ष में अब तक हर बात रखती नजर आई है और उनकी हर बात लोग समझते भी हैं, क्योंकि वाकई में जया बच्चन की बातें तारीफ की काबिल होती है। वो बहुत सटीक जवाब देती है, लेकिन कई बार अपनी बहू के पक्ष में बात करते करते जया का गुस्सा जब सातवें आसमां पहुंच जाता है तो लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई ये हमारा खास कार्यक्रम प्रेस। जया बच्चन के उस ताबड़तोड़ जवाब की हम बात करेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल करते हुए देखा गया। इतना गुस्सा जया बच्चन को आया, ऐश्वर्या मामले की बात बिना ऐश्वर्या का नाम लिए वो कर बैठी। उन्होंने कहा आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, ये कहा है जया बच्चन ने राज्यसभा में ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे ही ईडी में समन की गई। अब सपा की लीडर एक्ट्रेस का ये राज्यसभा सेशन में बात करना लोगों को बहुत हैरान कर गया। तो आपको बता दें वर्बल आर्ग्यूमेंट के साथ उन्होंने इस तरह से ट्रेजरी बेंच के साथ जो पर्सनल रिमार्क्स किए हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा बातें हो रही है। गवर्नमेंट को इस तरह से कर्ज करना लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। जया बच्चन के स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपको बता दें पार्लियामेंट में जो है सो यहाँ पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बिल 2021 को लेकर बहस चल रहा था और इसमें उन्होंने पर्सनल रिमार्क कर दिए। जी हाँ, चेयर से उन्हें बुलाया गया और वो सीधा आई और भुवनेश्वर कलिता की बात की जाए उन्होंने बिल्कुल भी अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि ओपोजिशन को कहने की जरूरत है तो वो क्यों नहीं सुन रही है। तो आपको बता दें जया बच्चन ने कहा बिल पर अपना थॉट रखा और कहा आई डोंट वांट टू थैंक यू, मैं शुक्रिया नहीं करना चाहती हूँ आप सबका, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे आप सबको याद दिलाने की जरूरत है या नहीं कि मैं वेल शाउटिंग चिल्लाती हुई बात करती नजर आती थी, लेकिन टुडे आप सभी जो हैं आज बैठे हुए हैं अपने चेयर पर। जया बच्चन ने भारतीय जनता पार्टी की लॉ मेकर राकेश सिन्हा को लेकर स्टेटमेंट का सामना किया, वर्बल आर्ग्यूमेंट उनके साथ हुआ। उन्होंने जया बच्चन के रिमार्क के अगेंस्ट सवाल खड़े किए, बच्चन बहुत गुस्से में नजर आई तो उन्होंने कहा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक्शन लेंगे और जो कॉमेंट किए हैं उनकी जया बच्चन की करियर पर किए गए हैं और उन पर जो किए गए हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि आपको फेयर होने की जरूरत है, न्याय करने की जरूरत है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, यू डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी सर। जी हाँ, उन्होंने कहा आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते कि आप बैठे रहे, और इस तरह से गुस्सा जया बच्चन का बढ़ता गया और उन्होंने कहा आप पर्सनल रिमार्क्स कैसे लगा सकते हैं, आप लोगों के भी बुरे दिन आएंगे, आई कर्स यू। जी हाँ, राज्यसभा में ऐसे जया बच्चन का गुस्सा सामने आया जिस पर लोग तमाम तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी राय क्या आप हमें जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।